अस्सलामुअलैकुम गॉर्जियस लेडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल हानी की डायरी। और आज मैं अपने किचन में आप लोगों के लिए बनाने वाली हूँ मलका दाल विद जीरा राइस। इसे मलका दाल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दालों में सबसे मज़ेदार दाल कहलाती है। वैसे तो ये खड़े मसूर की दाल है और इसे काली वाली दाल भी कहते हैं, लेकिन इसे आम तौर पर मलका दाल कहा जाता है। और इसे हम बनाएंगे जीरे के भगार वाले चावलों के साथ, जिनको लोग जीरा राइस कहते हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मगर उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। और अगर ये वीडियो पसंद आती है, रेसिपी पसंद आती है, तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। ऑल्सो बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि मेरे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको टाइम पर मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ली है एक पाव काली वाली दाल, यानी कि खड़े मसूर की दाल। और यहाँ पर एक बड़े साइज का टमाटर लिया है और एक बड़े साइज की प्याज ली है। यहाँ 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और यहाँ पर 5 से 6 छोटी हरी मिर्चें ली हैं। यहाँ पर मैंने लिए है 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो दाल है इसको वॉश कर लेना है। तो मैंने इसको वॉश कर लिया है और इसको मैंने एक पॉट के अंदर चूल्हे पर रख दिया है। और इसमें शामिल करूँगी मैं 2.5 से 3 गिलास पानी या फिर हसबे ज़रूरत। और इसके अंदर शामिल कर दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। मैंने उसी प्याली के अंदर थोड़ा सा पानी लेके इसको डाल दिया ताकि सारा का सारा अदरक लहसुन का पेस्ट जल जाए। और साथ ही मैंने शामिल कर दी इसके अंदर स्पाइसेस, यानी कि पिसी हुई लाल मिर्च और हल्दी पाउडर। और साथ ही अब बारी आती है हरी मिर्चें शामिल करने की। तो चलिए, उसे तो हमने चूल्हे पर रख दिया है मीडियम फ्लेम पर। और यहाँ पर जो प्याज है और टमाटर है इसको इस तरह से कट कर लेते हैं। थोड़ा सा रियलिटी इफेक्ट भी आ जाएगा वीडियो के अंदर। तो इसे बिल्कुल बारीक भी नहीं काटना है, लेकिन मोटा मोटा भी नहीं काटना है। तो इस तरह से रफली में काट रही हूं। तो जनाब प्याज कट गई है, अब इसको भी काट लेते हैं टमाटर को। टमाटर भी जल्दी जल्दी से रफली चॉप कर लिया है। बड़ी आसानी से जनाब बन जाती है और बहुत जल्दी बनती है खास तौर पे। तो देखिए दोनों चीजें कट गई हैं। चलें इसको भी हम शामिल कर देते हैं दाल में। तो दाल के पानी में हल्के से बबल्स आने लग गए हैं, इसको मिक्स कर देते हैं। और अब मैं फ्लेम को कर दूंगी हाई और इसको एक बॉयल होने तक कुक करूंगी। तो देखिए हाई फ्लेम पर रखा और एक बॉयल आ गया है। अब इसको कवर करके कुक करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर, उस वक्त तक जब तक कि दाल गल नहीं जाती और जो पानी है वो खुश्क नहीं हो जाता। तो अब बारी है चावलों की। चावल लिए हैं मैंने यहाँ पर 1/2 kg, यानी कि 500 ग्राम। ये बासमती राइस है अच्छे वाले, इनको वॉश कर लूँगी। और यहाँ पर 1 टेबलस्पून ज़ीरा लिया है, जो कि इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है ज़ीरा राइस का। तो यहाँ पर चावलों को वॉश कर लिया है। चलें जी, अब सबसे पहले भगार लगा लेते हैं। तो जिस पॉट के अंदर चावल बनाने हैं उसमें मैंने 2 टेबलस्पून घी ले लिया है। घी नहीं डालना चाहते ऑयल ले सकते हैं, मगर घी से अच्छी खुशबू आती है। तो जैसे ही घी गर्म हुआ मैंने इसमें जीरे का तड़का लगा दिया। इसको सिर्फ 10 सेकेंड चलाया है और अब इसमें शामिल कर दूंगी 2.5 गिलास पानी या फिर हसबे ज़रूरत। तो जी शामिल करते हैं पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह फिर खुशबू तो बड़ी लाजवाब आती है, हल्के से जीरे के भगार की इतनी अच्छी खुशबू आती है। और अब डाल दिए हैं मैंने चावल और साथ ही इसमें शामिल कर दूंगी 2 टीस्पून नमक
या फिर हंसबे जायका। तो इसको एक बार मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। और अब मैं इसको हाई फ्लेम पर कुक करूंगी विदाउट कवरिंग, यानी मैं इसको कवर नहीं करूंगी, हाई फ्लेम पर कुक करूंगी। यहाँ दाल चेक कर लेते हैं, दाल में जो है वो बॉयल अच्छे खासे आ रहे हैं और दाल कुक हो गई है, पानी इसका खुश्क होने लगा है, देखिए। तो इसे कवर करके मज़ीद कुक करेंगे जब तक कि इसका पानी मुकम्मल खुश्क नहीं हो जाता। चावलों का पानी तो जनाब यहाँ पर खुश्क हो चुका है और अब इसे को कवर करके कुक करेंगे, यानी दम लगाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए। तो चलिए चेक कर लेते हैं हम अपने चावलों को। तो इन पे दम लग चुका है और चावल एकदम रेडी है हमारे। इनको करेंगे डिश आउट, पहले तो इसको आगे पीछे कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि जो चावलों के नीचे स्टीम होती है वो बाहर आ जाती है और चावल खिल जाते हैं, यानी कि एक एक दाना अलग हो जाता है। आप अच्छे चावल बनाएंगे ना तब भी उसके अंदर ये करना ज़रूरी होता है, वरना तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाती हैं। तो देखिए अभी ये चुपके चुपके से हो रहे हैं, जब इसकी स्टीम निकलेगी तो ये एक एक दाना बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो जनाब यहाँ जो दाल थी उसका पानी मैं चेक कर रही हूँ और ये खुश्क हो चुका है। तो अब बारी आती है इसको घोटने की। देखिए पानी बिल्कुल इसका खुश्क हो गया है, ज़रा सा ही रह गया है बस। तो इसको चूल्हे पे से उतार के और उसके बाद मैं इसको घोटना शुरू करूँगी। आप दाल घोटनी से घोट लीजिए या फिर जिस तरह से भी आप घोटते हैं दाल को घोट लीजिए। इस वाली दाल को घोटना ज़रूरी होता है। दाल ऑलरेडी इतनी सॉफ्ट हो चुकी है कि बस हल्का सा ही घोटेंगे तो ये घुट जाएगी अच्छी तरह से। कम्प्लीटली नहीं घोटना है इसको, हल्के हल्के से दाने नज़र आने चाहिए। तो मैं इसको घोट लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने इसको घोट लिया था और इस तरह की इसकी कंडीशन है। तो दिस इज़ परफेक्टली कुक नाउ। तो अब इसमें पानी शामिल कर देंगे तकरीबन 2 ग्लास, या फिर जितनी आपको दाल में कंसिस्टेंसी रखनी है, जितनी गाढ़ी या पतली रखनी है अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। तो दाल घुटनी को मैंने इसी पानी में हल्का सा अच्छी तरह से वॉश कर लिया ताकि सारी दाल इसके उसके ऊपर से हट जाए और इसको मिक्स कर लेंगे। साइडों में जो दाल लगी है उसको भी हटा लेंगे। काम ज़रा साफ़ सुथरा इस पानी से करना चाहिए भाई। तो मैंने इसके साइड बिल्कुल साफ़ कर लिए हैं और इसको कुक करना है हाई फ्लेम पे 2 से 3 बॉयल आने तक, ताकि जो पानी डाला है वो पक जाए, क्योंकि दाल तो बिल्कुल रेडी है। तो देखिए 2 से 3 बॉयल आ चुके हैं, इसको मैं चेक कर रही हूँ, पानी एकदम डन है, दाल की कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी नमक। यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून नमक शामिल किया है, अगेन के जितना आपकी मर्जी हो, जिस तरह का आपका टेस्ट हो, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप शामिल कर लीजिएगा, वरना 2 टीस्पून शामिल कर लीजिएगा। ये थोड़ा से पुदीने के पत्ते हैं और 1/2 कप घी है भगार के लिए, और ये थोड़ी सी इमली है, यानी 2 टेबलस्पून इमली थी और ये मैंने भगार के लिए बारीक बारीक प्याज कट कर ली है। तो सबसे पहले तो डिश आउट कर लेते हैं दोनों चीज़ों को, दाल को चावलों को। यहाँ मैं पुदीना शामिल कर रही हूँ और इमली का पानी शामिल कर रही हूँ। इसको सिर्फ एक दफ़ा मिक्स करूँगी और फिर डिश आउट कर लूँगी। चलिए तो डिश आउट कर लेते हैं। अच्छा अभी क्या है कि सबसे पहले मैं भगार के, ये तो मैंने डिश आउट कर लिया है, लेकिन वहाँ मैंने भगार के लिए फ्राई पैन के अंदर घी डालना है। तो ये देखिए घी डाला था जो गर्म हो गया है, और अब इसके अंदर शामिल कर दी है प्याज।
प्याज को हमें करना है गोल्डन ब्राउन। कितना नाइस कलर आ गया है माशाल्लाह से। तो चलिए लगा लेते हैं भगार। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह क्या खुशबू आई है इसकी, लाजवाब। तो जनाब हमारे जीरा राइस विद मलका दाल इस कम्प्लीटली डन और ये इसकी फाइनल लुक है। आई होप कि आपको ये रेसिपी, ये वीडियो और ये तड़का बड़ा ज़बरदस्त लगा होगा। इसको आप बनाइए दोपहर में या फिर डिनर में, ये हर तरह हर वक्त बड़ी मज़े की लगती है, हल्की फुल्की सी ग़िज़ा है और बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं सबको। तो जनाब अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे वीडियोस पहले भी देख चुके हैं तो यार वो भी सब्सक्राइब कर दें, बिल्कुल फ्री है। आपकी मोटिवेशन, आपकी हौसला अफजाई हमारे लिए बड़ी ज़रूरी होती है। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।